राम राम किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको वीडियो का लिंक सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। किसान भाइयों, आज हम आए हैं, एक किसान भाई है जो हमारे सोतौला गांव में रहने वाले हैं और उन्होंने एक अपना खुद का आइडिया लगा के अपना आलू अपने ही घर में स्टोर किया है और बेहतर तरीके स्टोर किया है। पूरे गांव में चर्चा चल रही है, तो मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ना हम ऐसे किसान को मिलते हैं, तो चलो हम देखते हैं कि किसान भाई ने कैसा जुगाड़ लगाया। चलो देखते हैं, हमारे किसान भाइयों को खोल के दिखाओ। आ जाओ, निकलो, ये देखो स्लाइड कर, आगे मैंने बताया था कि जो हमारे किसान हैं इन्होंने अपने खुद का जो आइडिया लगा के, जिसको बोलते हैं हम देसी जुगाड़ लगा के अपना जो आलू है उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बात बताया था। तो ना इन्होंने अपने खेत में डंप किया है, ना अपना आलू अपने कोल्ड स्टोरेज में डाला है जिसके ऊपर किराया लगता है। तो इन्होंने कैसा ये आइडिया लगाया कि जिसकी वजह से इन किसान को कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है। तो आप वो कैमरे पे देख पा रहे होंगे कि ये आलू है जो अभी किसान ने अपने ही घर में स्टोर किया है, आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं ये आलू देखूँ तो हाथ में लेके, तो इसका जो टेम्परेचर है जो अपने कोल्ड में होता है अमूमन ऐसा ही है, मैं अपने गाल पे टच करके दिख लेता हूँ, तो जो उसका जो अंदर जो ठंड होना चाहिए वो बिल्कुल ही सेम है। तो किसान भाइयों, आप देखें कि इन्होंने क्या लगाया हुआ है, तो अपने रूम में एक एसी लगाया है जो अभी 16 पे चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद लगाया है इन्होंने ये फैन, जिसको बोलते हैं हम सेलिंग फैन, एक तरफ और इस तरफ भी दूसरा फैन लगाया है, और जो अपना जो रूम है उसका जो खिड़की होता है उसको थर्मोकोल से पूरा पैक कर दिया है, दरवाजे को भी पैक कर दिया है, जिसकी वजह से बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर ना आ पाए। तो किसान भाइयों, ये आइडिया किसान को कैसे आया, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहाय मिली है कि नहीं मिली है, और पूरा जो आइडिया है अभी मेरे को मालूम नहीं, मेरे को भी किसान को पूछना पड़ेगा, तो किसान से मिल के हम उनको ये जो स्टोर है उनके बारे में जानते हैं। चलो मिलते हैं किसान भाई से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पहले तो अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मुकेश भाई बिघा भाई बारोट, गांव सोतौला, दिशा तालुका। मुकेश भाई बिघा भाई, गांव सोतौला। आपका मोबाइल नंबर 9197969724। ये इनका मोबाइल नंबर है और आपने नाम भी जान लिया, और गांव है सतोमला जो डिसा तहसील में पड़ता है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। मुकेश भाई के साथ जो बात हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए, वो टेक्निकल खामी के कारण से मेरे से डिलीट हो गया है, लेकिन उनके साथ जो भी बातचीत हुआ वो मैं अभी आपको वॉइस ओवर करके बताता हूँ। किसान भाइयों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे वीडियो में अगर क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, लेकिन प्योरिटी आपको 100% मिलेगी। तो चलो जानते हैं कि उनके साथ क्या बात हुआ। तो मुकेश भाई ने बताया कि ये जो इन्होंने जुगाड़ लगा के जो अपना मिनी कोल्ड स्टोरेज अपने ही घर में बनाया है, तो इनमें इन्होंने 1000 पैकेट अभी स्टोर किया है। तो अभी 1000 पैकेट स्टोर किया है तो उसका कोल्ड स्टोरेज का खर्चा माने बारदाना वगैरह के साथ में तो 200 रुपये पैकेट के हिसाब से 2 लाख रुपया खर्चा होता है। और इन्होंने बताया कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाने में उनको 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा आया। 2.5 लाख रुपया भी माने तो उनमें 75,000 रुपया गुजरात सरकार की ओर से, गुजरात गवर्नमेंट की ओर से मुख्यमंत्री पाक संग्रहण योजना के तहत लाभ मिलता है। तो अभी उनको घर का लगाना पड़ा 2,50,000 में से 75,000 रुपया निकाल दे सहाय का, तो 1,75,000 रुपया। और आप जो एसी वेसी लगाया उसका जो बिजली का खर्चा माने तो ज़्यादा से ज़्यादा 6,000-7,000 रुपया मंथली आएगा। तो अगर 3 महीना ये कोल्ड अपने घर के कोल्ड में रखते हैं तो 20,000 से 25,000 रुपया और भी खर्चा आएगा। तो ये पूरा खर्चा मिला के 2 लाख रुपया बनता है।
और उसके सामने उनका जो कोल्ड का खर्चा बचता है वो है 2 लाख रुपया। तो किसान भाइयों, ऐसे जुगाड़ से मुकेश भाई ने अपने ही बनाए हुए कोल्ड में सरकार की सहाय की मदद से जो 2 लाख रुपया खर्चा करके ये काम किया है, तो उसके सामने उनको 2 लाख रुपया फ़ायदा भी हो रहा है। तो एक ही सीजन में, आलू की एक ही सीजन में उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, खर्चा पूरा निकल जाएगा। तो किसान भाई, एक बात और भी है कि ये जो घर में ही अपना मिनी कोल्ड स्टोरेज बनाने का फ़ायदा क्या है, तो इसमें एक बात है कि एक तो पहली बात ये है कि अगर बारिश का मौसम होता है तो अगर आपने खेत में डंप लगाया है तो अपने को बहुत दिक्कत आता है, आलू सड़ने की भी चांस रहते हैं। लेकिन ऐसे कोल्ड में अगर माल डाला है इन्होंने तो बारिश का कोई दिक्कत नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं रहता। और चालू बारिश में भी अगर किसान ये आलू बेचना चाहे तो अपना गाड़ी लोड करवा सकता है, क्योंकि बारिश की दिक्कत इनको नहीं रहेगी। और उसके बाद एक बात और भी है कि इनका आलू डंप के आलू से ज़्यादा रेट में बिकेगा, क्योंकि ये जो आलू है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा, उसका जो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और उसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेडिंग होने के बाद ये माल बिल्कुल ठंडा ही जाएगा मार्केट में और बढ़िया दाम उसके मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसा कुछ जुगाड़ लगा के अपने घर में या तो अपने खेत में ही अपना मिनी कोल्ड स्टोरेज बनाए, आलू की फसल हो या तो धान की फसल हो या कोई भी फसल हो जो आप घर में स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सहाय मिलती है, वो सहाय कैसे ली जा सकती है, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैंने वीडियो में मुकेश भाई का नंबर भी दे दिया है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ही जानकारी लें, तो जिसकी वजह से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आपको ऐसे ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और उसकी वजह से आपको फ़ायदा भी होगा। आगे मैं आने वाले वीडियो में आपको जो गुजरात गवर्नमेंट की ओर से जो स्टोर भाड़े में जो सहाय दिया है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के बारे में बात करूँगा। पूरा डॉक्यूमेंट क्या क्या इकट्ठा करना है, कैसे उसका प्रोसेस करना है, उसके बारे में भी बताऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई ये इसका लाभ ले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और दूसरे किसान भाइयों को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।